तो बिग बॉस के घर में कैप्टनसी टास्क होने वाला है। विक्की का कहना है कि मुनावर कैप्टन नहीं बनेंगे, तो ईशा का क्या रिएक्शन आया चलिए आपको बताते हैं। वेल, बिग बॉस के घर में जल्दी कैप्टनसी टास्क शुरू होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो एक मैसेज है ना वो आ चुका है। मैसेज में लिखा है कि आज मोहल्ले को मिलेगा उसका नया कैप्टन। अब यहाँ पर विक्की जो है ना दिमाग वाले रूम में बैठ करके खाना खा रहे होते हैं, ईशा भी वहीं पर होती है। तो यहाँ पर विक्की कहते हैं कि मुनावर तो कैप्टन नहीं बन पाएगा ना, मुनावर तो नहीं जीत सकता है। जिसके बाद यहाँ पर जो ईशा है वो कहती नहीं, मुझे बिग बॉस की एक बात याद आ गई, बिग बॉस ने कहा था फेंटेड हार्टेड जो लोग हैं, इस तरीके से वो कुछ बोलती हैं, नहीं जीत सकते हैं, और वो इशारा करती हैं। फिर यहाँ पर म्यूट हो जाता है, कुछ उन्होंने बोला है मुनावर फारूकी से रिलेटेड कि फेंटेड हार्टेड लोग नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इनके बीच डिस्कशन चालू होता है, मनारा चोपड़ा भी आ जाती है। मनारा चोपड़ा को यहाँ पर मैसेज लोग दिखाते हैं कि देखो कैप्टनसी से रिलेटेड मैसेज आ चुका है। और फिर ईशा कहती है कि मतलब अगर वो कैप्टन ऑफकोर्स अब नहीं बनेगी, किसी और को चांस मिलेगा, तो मैं डायरेक्ट दिलवाले रूम में जाऊंगी, मुनावर और नील एक साथ सोएंगे, और मैं फिर से मतलब वही चिंटू के साथ जो सो रही थी वो उन्हीं की जगह पर वहां पर वो सोएंगी, उसी रूम में जाएंगी। फिलहाल मुनावर इस बार कैप्टन नहीं बन पाएंगे, क्योंकि बिग बॉस ने कोई चीज बोली है, या फिर ये हो सकता है कि जो लोग कैप्टन बने वो कैप्टन नहीं बन पाएंगे, कोई तो चीज होगी, इसी वजह से इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि नहीं मुनावर कैप्टन नहीं बनेगा। क्या कहना है आपका, कॉमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।